यहाँ पे लिखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, लिखना ओके। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जब भी रहेगा, जैसे कि हम लोग सबसे पहले चीज किसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी डिफाइन करते, अब इतने देर से हम लोग क्या कर रहे थे, लीनियर इक्वालिटी कर रहे। तो लीनियर इक्वालिटी मतलब क्या, जैसे कि ए एक्स प्लस बी रहता था, ठीक है, या फिर क्या रहता था ए एक्स प्लस बी और ए रेस टू क्या रहता था, कोई टर्म एन रहता था। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम लोग पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है। तो वो पर्टिकुलर स्टेप्स है क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्टेप्स लिख के रखना। तो स्टेप वन लिखो रिमूव ए, मतलब ए को हम लोग कैसे करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ पे 7 दिया है, ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। हमें क्या करना है, यहां से ये 3 को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या होएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 3 5 अपॉन 3x और यहाँ पे क्या रहेगा 7/3, 3 और 3 क्या होएगा कैंसिल, हमारा गिवन इक्वेशन होएगा x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 7/3। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये a को आपको क्या करना है, निकालना है। नेक्स्ट आता है स्टेप टू। अब स्टेप टू आपने ये पिछले साल भी किया रहेगा, दैट इज रिमूविंग क्या, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता है, हमने पिछले साल फॉर्मूला मेथड के वक्त किया था, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है इट इज क्या, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आपका डी ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो रहेगा तो आपके क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। तो हम लोग उसका फॉर्मूला भी आपको पता है क्या करके, वो हम लोग बाद में लिखेंगे। मेन क्या है, अगर आपका डी या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो या अगर आपका डी का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या कंसिडर करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्या लेना आपको, पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल करते, लेट्स से यही एग्जाम्पल हम लोग उठा के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी ढूंढेंगे, ओके। अब ये इक्वेशन में ए का काम कौन कर रहा है, वन, बी का काम कौन कर रहा है, ये देखो ए का काम यहाँ पे वन कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है 5/3, सी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 7/3, तो यहाँ पे मैं 7/3 लिखूंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, इसका मतलब क्या, 5/3 का यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, 4 × 1 इंटू क्या आएगा 7/3, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन कितना होएगा 9, 4 × 1 क्या होएगा 4, 4 × 7 कितना होएगा, तो 4 7 यहाँ पे कितना आएगा 28/3। मेरा मेन मोटिव क्या रहेगा, इसका डिनोमिनेटर को कैसे भी हालत में सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 को 9 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये क्या आएगा 25 माइनस लेट से यहाँ पे कितना आएगा 84 अपॉन कितना होएगा 9, इसका आंसर ये कितना आएगा, दिस विल बी समथिंग 59 अपॉन यहाँ पे कितना रहेगा 9। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका डी का वैल्यू लेस देन जीरो आया है, तो आप क्या कंसिडर करोगे, अपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है इसके बदले आप सिर्फ क्या डालोगे, प्लस साइन डालोगे। वापस रिपीट करता हूं, आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बदले आप सिर्फ क्या डालोगे, प्लस साइन डालोगे, सिर्फ प्लस साइन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप x का कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू उठाओ, कोई भी वैल्यू आपको जो आपके दिमाग में वैल्यू उठाओ, आप वो इक्वेशन में पुट अप करो,
लेट्स से मैं x का वैल्यू क्या लेता हूँ, माइनस टू लेता हूँ, ओके okay? अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चीज ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये क्या होएगा, थ्री माइनस टू का स्क्वायर कितना होएगा, फोर, फाइव इंटू माइनस टू कितना होएगा, माइनस टेन, प्लस यहाँ पे कितना होएगा, सेवन, सो दिस विल बी ट्वेल्व माइनस टेन प्लस सेवन, इसका आंसर कितना आएगा, नाइन आएगा। इसका मतलब क्या है, अब x का कोई भी रैंडम वैल्यू डालो, आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बदले मैं सिर्फ क्या करूंगा, प्लस साइन डालूंगा। लेट्स से हम लोग को कोई और इक्वेशन दी है, लेट्स से यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4x माइनस कितना है, 8, ये आपको दिया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है, 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 4 इंटू 3 यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी माइनस 8, ये तो 16 होएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होएगा, 4 3 जा 12, 12 8 जा कितना होएगा, इट विल बी 10, 12 8 जा तो 96 होएगा। इन दोनों को ऐड करो, आंसर कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, डी इज पॉजिटिव, मतलब कौन सा कंडीशन यूज करोगे, ये कंडीशन यूज करोगे, ओके। अब इसका रूट्स कैसे निकालते, तो रूट्स का फॉर्मूला आपने पिछले साल पढ़ा था, इट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस डी अपॉन कितना आएगा, 2a। तो यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे b का काम 4 कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 4 प्लस और माइनस, डिस्क्रिमिनेंट का काम कौन कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट का काम यहाँ पे 112 कर रहा है, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना होएगा, 6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x का कुछ तो वैल्यू आएगा, y का कुछ तो वैल्यू आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 4 प्लस 112 अपॉन 6, x का दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 4 माइनस 112 अपॉन, तो वैसे आपको क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है, बस इतना ही है, इस चीजों पे ध्यान देना, और फिर आपको पता है नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है एंड सो ऑन। हम लोग एक एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। सबसे पहले ये इसका रूट्स तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, पहले वाले का रूट क्या आएगा, 4 रेज टू इवन पावर है तो इसके ऊपर क्रॉस मार्क, सेकेंड वाले का रूट क्या आएगा, 3, थर्ड वाले का रूट क्या आएगा, माइनस 5, लेकिन रेज टू ऑड नंबर है तो उसके ऊपर क्रॉस मार्क डालने की जरूरत नहीं है। अब हमें किसका रूट निकालना है, ये वाले पार्ट का, तो इसका हम लोग कैसे रूट निकाल सकते हैं, तो आइदर आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, अगर आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आता रहेगा तो फैक्टराइजेशन तो भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस, अगर आपको ये आता है तो ये डायरेक्टली करके भी आप दो स्टेप में निकाल सकते हो। चलो ऐसे सोचते कि आपको नहीं आता है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले रिमूव a, तो यहाँ पे तो कोई a है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं आपको। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू माइनस 6 कितना होएगा, प्लस 24 होगा, 1 प्लस 24 कितना होएगा, 25। अब रूट का फॉर्मूला, तो x इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी अपॉन कितना आएगा, 2a, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, अब इधर b का काम कौन कर रहा है, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 प्लस और माइनस रूट ऑफ 25 अपॉन कितना आएगा, 2 इंटू ए, तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 1, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2, तो x के यहाँ पे दो वैल्यूज है, x का पहला वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 2 आएगा, x का दूसरा वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2 आएगा, x इक्वल टू क्या होएगा, 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6 अपॉन 2 विच इज माइनस 3, तो x का रूट का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो x का रूट इज 2, x का रूट इज माइनस 3, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 कॉमा माइनस 3 लिखोगे,
ये चीज भी कंफर्म हो गया। अब नीचे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो नीचे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x² - 5x + 8। तो से पहला काम आपका क्या रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो। तो ये कितना आ रहा है, b² - 4ac। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट b², तो b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, तो b का काम यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25, 4 into, a का काम कौन कर रहा है 3, c का काम कौन कर रहा है 8, 25 माइनस कितना आएगा 4 12 4 3 12 12 8 96। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव आंसर आ रहा है मतलब इसके बदले आप क्या डालोगे, सिर्फ एक प्लस साइन डालोगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट रूट क्या है, एक प्लस साइन। चलो हमने सब सॉल्व कर लिया। अब हम लोग का नॉर्मल काम क्या है, जस्ट एक नंबर लाइन प्लॉट करो। ये आपने प्लॉट किया, फिर सारे रूट्स, सबसे बड़ा रूट इसमें क्या है 4। 4 के ऊपर क्या है, क्रॉस मार्क है। क्रॉस मार्क क्या इंडिकेट करेगा, कि साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 2, फिर नेक्स्ट कौन आने वाला है -3, फिर कौन आएगा -5। अब सबसे ग्रेटेस्ट रूट के साइड में क्या डालोगे, राइट साइड में प्लस साइन। क्रॉस साइन के यहाँ पे साइन इंटरचेंज नहीं आएगा, तो अभी भी प्लस साइन है। साइन चेंज हुआ तो माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। ये चीज कंफर्म हो गया। हमें क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। इधर देखो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन में आप किसको देखोगे, न्यूमरेटर के यहाँ पे आपको क्या डालना है, क्लोज्ड ब्रैकेट डालना है। तो न्यूमरेटर के कौन कौन से रूट्स है, एक है 4, दूसरा है +3, फिर कौन है, एक तो है 2, दूसरा है -3। तो इसके साथ हम लोग क्या डालना है, क्लोज ब्रैकेट डालना। ओके, अब ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है, कि हमें प्लस साइन को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखो प्लस साइन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ऑफकोर्स माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, -5 तो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे अभी भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा, यूनियन -3 से लेके 2 तक, तो -3, 2। -3 न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, 2 न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट, यूनियन। नेक्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ है, 3 से लेके कहाँ तक है, पूरा इंफिनिटी तक है, ठीक है। चल हम लोग कैसे लिखते हैं जरा ध्यान देना, 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक का मतलब क्या, पहले जी चेक करो क्या 3 न्यूमरेटर में आ रहा है क्या, तो आपका आंसर है यस 3 न्यूमरेटर में आ रहा है, तो यहाँ पे वापस क्या डालोगे, क्लोज ब्रैकेट। क्या 4 न्यूमरेटर में आ रहा है क्या, तो 4 भी न्यूमरेटर में आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या डालोगे, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन। 4 को आपने ऑलरेडी पहले कंसिडर कर चुके हो, तो वापस अगर आप 4 को लोगे तो आपका सेट का रूल के हिसाब से सॉल्यूशन गलत होएगा। सेट में क्या है, एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने ऑलरेडी 4 लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या करो, ओपन ब्रैकेट 4 डालना। आई होप ये समझा रहेगा, क्यों ओपन ब्रैकेट 4, क्योंकि आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 4 डालोगे तो यहाँ पे भी आप 4 को काउंट कर रहे हो, इधर भी आप 4 को काउंट कर रहे हो। अब ये किधर से किधर जाएगा, 4 से लेके, अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट, इसको आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 से लेके इंफिनिटी, दोनों का मतलब 1 एंड द सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा, इधर मैं लिखता हूं, फाइनल सॉल्यूशन एक्स बिलोंग्स फ्रॉम -∞ से लेके -5, यूनियन -3 से लेके 2, यूनियन 3 से लेके कहा था इंफिनिटी। इसको ऐसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसका रूट, इसका रूट क्या आएगा 4 raised to even power है तो इसके ऊपर क्रॉस मार्क। नेक्स्ट क्या आएगा 3, इसका रूट क्या आने वाला है 2। रूट कैसे निकाल जाएगा मालूम रहेगा, x-2 को इक्वल टू 0 डालना है, तो -2 दूसरे साइड गया तो क्या आएगा +2। x+3 का रूट क्या रहेगा -3। x-8 का रूट क्या रहेगा 8, इसके ऊपर क्रॉस मार्क क्योंकि रेस टू इवन नंबर है। +7 इसको क्या करोगे, इसका रूट क्या आएगा -7, रेस टू ऑड नंबर है तो इसके ऊपर क्रॉस मार्क डालने की जरूरत नहीं है। चल नंबर लाइन पे प्लॉट करते,
ओके तो सबसे बड़ा रूट, सबसे बड़ा रूट यहाँ पे क्या 8, इसके ऊपर क्या डालोगे क्रॉस मार्क डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 4, फिर आता है 3, फिर आता है 2, फिर नेक्स्ट आएगा -3, फिर नेक्स्ट आएगा -7, 4 के ऊपर और एक क्रॉस मार्क डालना। ओके अब नेक्स्ट ग्रेटेस्ट रूट के राइट हैंड साइड में क्या डालोगे, प्लस साइन डालोगे, क्रॉस मार्क इसका मतलब साइन इंटरचेंज नहीं होएगा, क्रॉस मार्क इसका मतलब साइन इंटरचेंज नहीं होएगा, अब माइनस प्लस माइनस प्लस। चलो इतना पार्ट हम लोग के दिमाग में सेट हो गया, मैं इसको जस्ट सर्कल डालता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके फाइन चलो इधर तक क्लियर हो गया रहेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ये इक्वल टू जीरो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जो भी न्यूमरेटर के रूट्स है उसको अंडरलाइन करो, यहाँ पे 4, 3, 2, -3 और 8 ये सब न्यूमरेटर के रूट्स है, यहाँ पे आप क्या डालोगे क्लोज ब्रैकेट डालना मत बोलना। नेक्स्ट ग्रेटर देन जीरो बोला है मतलब आपको सारे जहां पे पॉजिटिव साइंस है उसको कंसिडर करना है, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, एक इधर है दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेके -7, लेकिन क्या -7 न्यूमरेटर पे है तो आपका आंसर है नहीं, इधर इसके लिए ओपन ब्रैकेट आएगा। नेक्स्ट आता है यूनियन, अब नेक्स्ट क्या आएगा -3 से लेके 2 जो है ये कहाँ पे है न्यूमरेटर पे, दोनों क्रूट्स न्यूमरेटर पे, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट -3 से लेके 2 और इधर पे क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट पॉजिटिव साइन कहाँ से आ रहा है जरा चेक करो, 3 से लेके कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक पॉजिटिव जा रहा है सबसे पहले। नेक्स्ट क्या है 3 न्यूमरेटर का रूट है, 4 न्यूमरेटर का रूट है, 8 न्यूमरेटर का रूट है, तो इसको आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, इसको आप 3, इन्फिनिटी लिख सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी पे क्या डालोगे ओपन ब्रैकेट डालोगे, ये आपका रहेगा फाइनल सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप क्या करो इन दोनों को सॉल्व करो। अब इन दोनों कैसे सॉल्व करोगे, अब ये जो पार्ट है इसको आप क्या करोगे x-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, x-2 का आप आएगा न्यूमरेटर, ये जो सेकेंड पार्ट है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे x-1 से, नीचे कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा x-1 इंटू क्या आएगा x-2 आएगा, और ये क्या रहेगा ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे 1/x रहेगा। नेक्स्ट इसके ब्रैकेट्स को जरा ओपन अप करो, तो इसके ब्रैकेट्स को ओपन अप करोगे तो क्या आएगा x-2 + x-1 आएगा, x + x कितना होएगा, ठीक है इसके नीचे क्या रहेगा x-1, यहाँ पे रहेगा x-2, यहाँ पे रहेगा 1/x, ये रहेगा ग्रेटर देन जीरो। x + x कितना आएगा 2x, -2 - 2 कितना होएगा, सॉरी -2 - 1 - 3 होएगा, नीचे क्या होएगा x-1 x-2, और ये क्या रहेगा ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या रहेगा x रहेगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे किसको इक्वेट इक्वल करने का ट्राई करोगे इसको, तो अभी x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x-1 x-2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा x-1 × x-2 आएगा, प्लस ऊपर क्या है 2x - 3 है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x के साथ, तो ये आएगा x, कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा x × x-1 × x-2 आएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट, अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर -1 को ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो कैसे दिखेगा x × x-2 - 1 × x-2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा x × 2x कितना होएगा 2x² प्लस इंटू माइनस क्या होएगा -3 × x = 3x। ओके नीचे क्या रहेगा x − 1 x − 2। नेक्स्ट आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो x × x = x² - 2x - 1, ओ सॉरी मेरा गलती हुआ, फिर -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x - (-+2) आएगा, यहाँ पे रहेगा +2x² - 3x अपॉन क्या होएगा x × x-1 x-2, x² + 2x², तो x² + 2x² कितना होएगा 3x²
माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स, तो ये कितना होएगा माइनस सिक्स एक्स, और लास्ट में क्या बच रहा है प्लस टू अपॉन कितना आ रहा है एक्स, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू आ रहा है एंड दिस शुड बी व्हाट ग्रेटर देन जीरो। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें क्या करना है ये ए को गायब करना है, तो हम क्या करेंगे ऊपर के इक्वेशन को थ्री से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा टू अपॉन थ्री, क्योंकि सिक्स अपॉन थ्री कितना होएगा टू होएगा। ओके नीचे एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये क्या रहना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। ओके अब हम क्या करेंगे ऊपर के इसका सबसे पहला स्टेप है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस टू का स्क्वायर कितना आएगा फोर माइनस फोर इंटू ए का काम कौन कर रहा है वन, सी का काम कौन कर रहा है टू अपॉन थ्री, फोर माइनस फोर इंटू वन फोर, फोर इंटू टू एट अपॉन कितना आएगा थ्री, फोर को थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ट्वेल्व माइनस एट अपॉन थ्री आएगा विच विल बी कितना फोर बाई थ्री। फोर बाई थ्री क्या है ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा रूट्स निकालना पड़ेगा, रूट्स निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ डी अपॉन क्या आएगा टू ए। ओके बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे माइनस सिक्स कर रहा है, तो माइनस और माइनस सिक्स होएगा प्लस और माइनस रूट ऑफ फोर अपॉन थ्री अपॉन यहाँ पे क्या आएगा टू इंटू ए का काम कौन कर रहा है वन, तो टू इंटू वन एक सेकेंड है जस्ट मेरा गलती हो गया, यहाँ पे बी का काम माइनस टू कर रहा है। ओके टू इंटू ए तो टू इंटू ए यहाँ पे कैसे करोगे तो टू इंटू वन, टू इंटू वन कितना होएगा टू, अब ये कितना होएगा यहाँ पे सबसे पहले चीज माइनस इंटू माइनस क्या होएगा प्लस टू होएगा, फोर का स्क्वायर रूट सबको पता है कितना आने वाला है टू, ये क्या रहेगा वन अपॉन रूट थ्री और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है टू, टू और टू में तो टू कॉमन है तो इधर क्या आएगा वन प्लस और माइनस यहाँ पे क्या आएगा वन अपॉन थ्री आएगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा टू, टू और टू कैंसिल तो हमारे एक सबसे पहले हमारा फर्स्ट रूट क्या है तो हमारा फर्स्ट रूट इज वन प्लस रूट ऑफ वन बाई थ्री, हमारा सेकेंड रूट इज वन माइनस वन अपॉन। चल अब हम लोग क्या करते हैं सारे रूट्स को प्लॉट करेंगे जस्ट एक सेकेंड, जैसे पहले हमारे रूट्स क्या क्या है, एक तो इसका रूट क्या रहेगा जीरो, इसका रूट क्या रहेगा वन, इसका रूट क्या रहने वाला है टू, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ रहा है एक आ रहा है वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री, दूसरा आ रहा है वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री क्योंकि वन का स्क्वायर रूट आपको पता रहना चाहिए वन रहता करके। अब नेक्स्ट प्लॉट करो, इसमें ऑफकोर्स सबसे बड़ा जो रहेगा वो कौन रहने वाला है टू, तो यहाँ पे आप टू लिखोगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा नेक्स्ट आएगा वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री क्योंकि रूट थ्री का वैल्यू 1.7 रहता है, वन को जब 1.7 से डिवाइड करोगे तो आंसर कुछ तो फ्रैक्शन में आएगा तो वन प्लस फ्रैक्शन ऑफकोर्स टू से लेस रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद कौन आएगा वन आएगा, फिर वैसे वन को एक फ्रैक्शन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो तो ऑफकोर्स क्या रहेगा वन से तो लेस ही रहने वाला है तो यहाँ पे क्या आएगा वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री सबसे एंड में क्या आएगा जीरो। ओके अब इसको प्लॉट करना है तो इसको प्लॉट कैसे करोगे, सबसे एंड में आएगा प्लस फिर आएगा माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर यहाँ पे वापस प्लस यहाँ पे माइनस, हमें क्या चाहिए सिर्फ ग्रेटर देन जीरो चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो चाहिए इसका मतलब क्या है हमें सिर्फ प्लस साइन कंसिडर करना है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आने का चांसेस जीरो तो हमें क्लोज ब्रैकेट डालने का कोई टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। चलो सबसे पहले प्लस साइन कहाँ पे आ रहा है जीरो और इसके बीच में वन माइनस वन बाई थ्री के बीच में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स बिलोंग्स फ्रॉम जीरो पे ओपन ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन थ्री यूनियन, नेक्स्ट क्या आएगा वन से लेके इट विल बी किधर तक वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री, फिर नेक्स्ट कहाँ पे आएगा तो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है टू से लेके इंफिनिटी पे आ रहा है, तो ये रहेगा हम लोग का सॉल्यूशन। जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी रहेगा
सबसे पहला काम है ये ए को एलिमिनेट करना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई टू करेंगे। तो डिवाइड बाई टू करने का मतलब क्या है कि टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इधर एक्स अपॉन टू हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, फाइव अपॉन टू, ये क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इधर क्या आएगा, इट विल बी बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है, वन अपॉन टू कर रहा है। तो यहाँ पे वन अपॉन टू का स्क्वायर करोगे, माइनस क्या आएगा, फोर इंटू वन इंटू सी का काम कौन कर रहा है, फाइव बाई टू। वन का स्क्वायर तो वन आएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू वन फोर, फोर इंटू फाइव कितना आएगा, ट्वेंटी अपॉन कितना आएगा, टू। नेक्स्ट नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इधर आएगा वन बाई फोर, माइनस कितना आएगा, टेन। आपको पता है आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वन बाई फोर का वैल्यू पॉइंट टू फाइव है, दस से सप्रैक करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस नाइन पॉइंट सेवन फाइव, ये तो आपको पता है। मेन क्या यहाँ पे एक चीज समझना है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप साइन क्या कंसिडर करोगे, पॉजिटिव साइन कंसिडर करोगे। चलो एक आप एक पॉजिटिव कंसिडर किया, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पॉजिटिव शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसका क्या मतलब है कि आप एक्स का कोई भी वैल्यू लो, क्या आने वाला है, आंसर हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या रहता है, जीरो से बड़ा रहता है, ये तो आपको पता रहना चाहिए, यूनिवर्सल फैक्ट है। कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, लेट्स से 0.00001, ये क्या रहेगा, जीरो से बड़ा ही रहेगा, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, या फिर इसको और एक तरीका है लिखने का, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर्स को आप डाल दो, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सबसे पहला काम क्या है, ए को किसी भी हालत में वन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे तो कोई ए है ही नहीं, हमें फर्स्ट स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, इट विल बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो बी का कोई टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, वन, सी का काम कौन कर रहा है, फाइव बाई थ्री। तो इसका आंसर तो पक्का है कि नेगेटिव ट्वेंटी बाई थ्री, मतलब आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई थ्री है, इसके बदले आप जस्ट प्लस साइन डालोगे। अब जरा लॉजिकली सोचो, क्या जीरो पॉजिटिव नंबर से कभी बड़ा हो सकता है क्या, तो ऑफकोर्स आपका आंसर रहेगा नहीं। क्या जीरो पॉजिटिव नंबर के बराबर है क्या, तो इसका भी आंसर है नहीं। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्स का वैल्यू डालो, आपको वैल्यू जीरो से कम नहीं मिलने वाला है। वापस रिपीट करता हूं, यहाँ पे आप एक्स का कोई भी वैल्यू डालो, आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है कि वो कभी जीरो से छोटा होएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, या फिर आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट ये ट्राई करना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये सब ट्राई करो जल्दी जल्दी। इसका रूट क्या आएगा, तीन, इसका रूट क्या आएगा, चार। अब यहाँ पे क्या है, थ्री, इधर क्या आएगा, फोर, राइट साइड में पॉजिटिव, इस तरफ क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है, इक्वल टू मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर, यहाँ पे तो सारे नंबर्स न्यूमरेटर पे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि हमें पॉजिटिव साइन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव इधर आ रहा है, पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, तो आपका एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके थ्री तक। थ्री पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि थ्री का पे न्यूमरेटर पे और यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है। यूनियन आएगा कहा से कहा, फोर से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये रहेगा आपका क्या, सॉल्यूशन।